नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका हमारे चैनल ऑक्टोपैड गुरु में स्वागत है। तो लीजिए, आपके लिए बहुत ही शानदार पैच जो आरती का है। ये पैच इतना ज़बरदस्त है कि आप बिना तबला बिना ढोलक के साथ आप सिंगल पैड बजाएंगे तो आरती बजा सकते हैं सिंगल पैड के दम पे। तो आपने शुरू में थोड़ा सा बजाने का इसका मेथड देखा था कि बज कैसे रहा था, तो चलिए आज हम इसे सीखते हैं कि इसे वो बजाने का तरीका क्या है, इसमें हाथ कैसे चलाते हैं, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाउनलोडिंग लिंक दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार मैटर थोड़ा दूसरा है डाउनलोडिंग का, आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं और आरती पैच देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न बताने का बताता हूँ आपको। हमारा पैच, तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले तोड़ कैसे मारना है आपने देखे थे, मैं एक बार आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड हूँ, आप राइट हैंड, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये पेज का लिंक मैंने दो पार्ट में दिया, यानी दो पार्ट का मतलब ऐसा है, एक तो नोट्स बना के रखा हूँ, नोट्स में आप जैसे 20 वाले हैं तो 20 ले नोट्स देख के बना सकते हैं, और 20x वाले जो बिन फाइल होती है बिन फाइल देख के बना सकते हैं, लेकिन 20x में भी जो राइट हैंड वाले होंगे तो नोट्स बना के देख सकते हैं। और साथ में चार्ट भी दिया है कि लेफ्ट हैंड का 1, 2, 3 से लेकर 8 तक कौन से डब्बे रहेंगे और राइट हैंड के कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका शुरू में स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करने के लिए हम कैसे मारेंगे तोड़, ये है, आया समझ में, ये हो गया। या इसमें ये घंटी ना लेते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, शंख ले सकते हैं। शंख लेंगे तो और थोड़ा सा घना हो जाएगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया। इसमें इसके साथ जैसे कि अब इसमें पिकअप कैसे पकड़ना है, रिमेन रिदम कैसे पकड़ना है, आया समझ में, ये हैंड को कैसे चलाना है। स्टार्टिंग यहाँ से लेना, जब आपका मैन रिदम चालू होगा, एक तो आप यहाँ संघ के साथ स्टाइलिंग ले सकते हैं, लेकिन घंटी भी साथ में आएगा तो अच्छी बात है ना। तो कैसे आएगा ये, आया बात समझ में। स्टार्टिंग अपन को एक साथ लेना है, दोनों स्टिक जो आएगी यहाँ पर ये आएगा, है ना, और ये एक बार सिंगल फिर इसका डबल, एक बार सिंगल फिर डबल, आई बात समझ में। और ये आप प्रैक्टिस सबसे शुरू में करेंगे तो आप यहीं से स्टार्ट करना, ठीक है। आपका यहाँ हैंड नहीं चल रहा है तो आप कैसे बजा सकते हैं इसको, ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और अच्छी बात है, आपको जैसे आ रहा होगा तो आप स्टार्ट कैसे लेंगे, जो सम आता है सबसे शुरू का, जो सम आता है मैन रिदम के बाद जो सम आता है, सम यहां आएगा, है ना, सम यहां आएगा, सम में ही लेना है घंटी को अपन को, है ना, और ज्यादा बार बार नहीं लेना, बार बार लोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आई बात समझ में। अब ये बात आती है तीन डब्बों की, ये तीन डब्बे कैसे चलाना है, देखने में थोड़ा सरल लग रहा है, लेकिन आप नए होंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी जाएगी। ये स्टिक को कैसे करना है, ये आपको यहां रगड़ना है, आप स्टिक ऐसा पकड़ेंगे तो आएगा, ऐसा पकड़ेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसको पकड़ना है स्टिक अपन को, ये आई बात समझ में, देखते हैं,
आपसे नहीं बन रहा है तो मैंने बताया आपको, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? देखते हैं पूरा पैटर्न। अब इसके साथ हम तोड़ लगाते हैं, स्टार्टिंग वाला, बीच में कैसे लगाना है। ये हो गया आपका पैटर्न। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो राइट हैंड है, ये जो घंटी बजेगी आपकी, वो सब में ही बजेगी, सब में ही बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप अन्यथा और कोई दूसरी बीट में जाके उसको मारेंगे तो अलग बजेगा, है ना। तो सब तो ये आप इतने में आपको फील समझ आ रहा होगा कि रिदम कैसा बजना चाहिए। उसके बाद फिर ये सीधा, दूसरा पार्ट, आया समझ में? ये पैटर्न में आप बजाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन पेज बहुत शानदार है। ये पेज आप बताया मैंने कि आप ढोलक तबले वाला नहीं भी है, आप खुद ही लीड कर सकते हैं काफ़ी हद तक। और ये पेज इतना बेस्ट है, कभी मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, कभी अपना इंट्रो देने के लिए, जैसे भी हो। तो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ भी नहीं आता होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो फिर से देखते हैं अपन स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग साथ जैसे हमको बीच में शंख भी लेना है, शंख लेना, जैसे कि ये तोड़ मारने का मेन रिदम आ जाता है। तोड़ मारने का ये डब्बा ना लेते हुए अपन ये सेकंड वाला डब्बा लेंगे, दो नंबर का। तो इसमें आपका ये वाला बेस भी बच जाएगा और ये बेस यहाँ पर भी है, लेकिन इसके साथ हमने क्या डाले हैं, शंख। तो इसकी इसकी जो कमी होगी ये पूरी कर देगा। तो जब तोड़ मार के मैन रिदम में आएंगे तो ये शंख कैसे यूज आएगा, यूज में लाना है, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पेज का डाउनलोडिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ये पेज कैसा लगता है? इस बार का मेथड थोड़ा सा दूसरा टाइप का है डाउनलोडिंग का, आपसे ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर आप बताएं कैसा लगा है, नेक्स्ट पेज कौन सा बताएं। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि समझ नहीं आता, पर मैं सिर्फ मेरे हिसाब से मैं इतना ही समझा सकता हूँ, इससे ज़्यादा समझा नहीं सकता शायद मेरे मानने से। और बहुत ही सरल तरीके से और सरल भाषा से बताता हूँ मैं। और जैसा भी हो आप ज़रूर बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दिए दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम।